मैं भारत नेपाल सीमा पर खड़ा हुआ हूं। ये नगर पंचायत रुपैढिया है, जहां पर भारी मात्रा में नेपाल से काम करने वाले लोग जो भारत जाते हैं, इस समय छुट्टी लेकर त्योहारों को मनाने के लिए नेपाल लौट रहे हैं। सघन छानबीन के लिए हमारे बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल का कड़ा पहरा है। सशस्त्र सीमा बल 42वीं वाहिनी के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत जी हैं, जिनके नेतृत्व में हमारे रुपैढिया बीओपी पर तैनात जवानों द्वारा सघन छानबीन की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हमारे इन त्योहारों में खलल ना डाल सके। और आप देख सकते हैं कि एसएसबी के जवान हमारे वाहनों की विधिवत जांच कर रहे हैं और आवागमन करने वाले लोगों की भी जांच हो रही है, उनके आधार कार्ड जांचे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जांच की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसएसबी द्वारा सघन छानबीन की जा रही है, आवागमन करने वाले लोगों के आधार कार्ड है या नेपाल का कोई सिटीजन है तो उसके पास नेपाल की नागरिकता होनी चाहिए या आधिकारिक कोई पत्र होने चाहिए, जिससे यह सिद्ध होता हो कि यह व्यक्ति इस देश का या इस क्षेत्र का रहने वाला है। एसएसबी द्वारा सघन छानबीन की जा रही है और आवागमन करने वाले लोगों की जांच की जा रही है, जिससे आगामी त्योहार पर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके और देशवासी शांतिपूर्ण ढंग से अपना त्योहार दीपावली मना सके। त्योहारों पे नेपाल की ओर से भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की भी सघन छानबीन की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि हमारे एसएसबी की विंग द्वारा नेपाल से आवागमन करने वाले भारतीय क्षेत्रों में आने वाले लोगों की भी विधिवत जांच की जा रही है, उनके आईडी कार्ड देखे जा रहे हैं, जिससे हमारे आगामी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा सके। आप देख सकते हैं किस प्रकार आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों ग्राहकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि भारी मात्रा में नेपाल से भी काफी लोग अपने सामान खरीदारी के लिए, मूर्तियों खरीदारी के लिए रुपैढिया आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाजार में कितनी भीड़भाड़ देखी जा रही है और नेपाल के लोग मैक्सिमम खरीदारी करने के लिए यहां आते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रुपैढिया पुलिस भी सुरक्षा के लिए लगाई गई है और आवागमन करने वाले लोगों को नियंत्रित कर रही है, और रुपैढिया पुलिस का भी काफी सराहनीय योगदान रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक को भी नियंत्रण करने में रुपैढिया पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।